अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों रात का वक्त है, अभी तकरीबन 12 बज रहे हैं और बारिश बहुत तेज़ वाली आ चुकी है। आप देख सकते हैं लाइटनिंग भी, और यहाँ पर सेटअप पर काफ़ी ज़्यादा पानी फिर से जमा हो चुका है। मैंने तो दोस्तों अम्ब्रेला ले लिया है ताकि ख़ुद को थोड़ा सा भी बचा सकूँ। हमारे पौधे आप देख सकते हैं, इस साइड पर अगर लाइटनिंग मैं दिखा सकूँ कुछ टाइम के लिए तो ये देखें। और अब कोशिश करता हूँ कि पानी दिखा सकूँ, तो ये देखिए दोस्तों, दोस्तों काफ़ी सारा पानी जमा हो चुका है और बारिश अभी भी बहुत तेज़ वाली शुरू है और सारा छत पानी पानी हो चुका है। सेटअप के अंदर भी पानी है और हम वहाँ पर अभी नहीं जा सकते क्योंकि ड्रेन यहाँ पर है, ये देखें, यहीं से ही सारा पानी निकलना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ से ज़्यादा पानी खोल भी नहीं सकते क्योंकि नीचे जितनी भी इनके ड्रेन्स हैं वहाँ से पानी उबल आता है और सारा घर पानी पानी हो जाता है। फिर इस वजह से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और आराम से कोशिश कर रहा हूँ। तो जितना स्लोली ड्रेन हम कर सके दोस्तों, यहाँ से हमें पानी ड्रेन आउट करना होगा ताकि नीचे कोई मसला ना हो। बाकी बर्ड्स की तरफ मैं अभी तक नहीं गया, इंशाल्लाह बर्ड्स सेफ होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर इतना सारा पानी जमा हो चुका है, आप देख सकते हैं, तो यकीनन सेटअप के अंदर भी बहुत सारा पानी होगा इस वक्त। थोड़ी देर के लिए दोस्तों फ्लैश लाइट ऑफ कर दी थी ताकि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो सके कि कितनी तेज़ बारिश इस वक्त आ चुकी है। मैं सारा नहा चुका हूँ, बारिश की वजह से पूरा भीग चुका हूँ और मज़ा भी आ रहा है और ये मजबूरी भी है। तो देखते हैं क्या बनता है। सुबह इंशाल्लाह इस जगह की फिर से अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा।
अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, बारिश रुक चुकी है, लाइटनिंग अभी भी हो रही है और पानी भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक यहाँ से निकल चुका है। ये देखें, इस वक्त कोई पानी यहाँ पर नहीं है, वो सामने ड्रेन है। ये देखिए माशाल्लाह सारा पानी ड्रेन आउट हो चुका है। अब सेटअप के अंदर भी जाएंगे और इंशाल्लाह सुबह आप दोस्तों को वो जगह दिखाऊंगा कि वहाँ की क्या सिचुएशन है। बल्कि थोड़ा सा चल के अभी दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या सिचुएशन बन चुकी है। असल में ना जाने का जो एक रीज़न था वो यही था कि कहीं हमारे बर्ड्स डिस्टर्ब ना हो जाएं, लेकिन एक हल्का सा झलक आप दोस्तों को दिखला देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह दोस्तों, सब बर्ड्स आराम कर रहे हैं, हमारे चिकन भी वहाँ पर, पैरेट यहाँ पर है, तो इनको आप डिस्टर्ब नहीं करते, बस इनको इनके हाल पे छोड़ देते हैं। पानी यहाँ पर थोड़ा बहुत है लेकिन ये इंशाल्लाह सुबह तक निकल जाएगा। और यहाँ पर भी दोस्तों माशाल्लाह सब कुछ अच्छे तरीके से भी हो चुका है। दोस्तों ये घर से नीचे साइड का व्यू है, सड़क आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी कर लीजिएगा और साथ में अपने चैनल लक्स क्लब को भी सब्सक्राइब कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों तो सुबह का वक्त है और सोच आप लोगों के साथ यहाँ की अपडेट शेयर कर दूं। रात को कितनी तेज़ आंधी और बारिश हो रही थी और अब देखिए माशाल्लाह, आप लोगों को सेटअप भी दिखाया था, इस वक्त आप देख सकते हैं दोस्तों, रात को भी आप लोगों को दिखाया था। थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पर कड़ा है लेकिन ज़्यादातर पानी खुश्क हो चुका है। तो अभी जल्दी से मैं ये पानी यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ तब ये जगह सूख जाए। मिलेंगे इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।